पहले के जमाने में लोग अनेकों तरह से दुश्मनी साधत रहे। आपदा में सदा वीर हंसते रहे, साल सम्मान अपना वो छोड़े नहीं, निज गुनहगार को भी क्षमा कर दिए, तार इंसानियत कब तोड़े नहीं, दोस्ती पृथ्वीराज से माहिल किया, हाल सिरसा गढ़ का बताया चली, इस समय किला में सिर्फ मलखान है, रानी गज मोती का लाव डोला बनी। एक समय इतिहास आल्हा उदल अपने भाई मलखान से नाराज होकर चले लन मोहबाप, सिरसा में मलखान अकेले रह गेल और आल्हा उदल के मम्मा रहल माहिल। वो समय माहिल जाके पृथ्वीराज से दोस्ती किल और कहलन की महाराज फुटमत का फायदा उठा लप, आल्हा उदल नाराज होके अपने भाई से महोबा चल गिलन और सिरसा में घेरा लगावे लन सब। पृथ्वीराज तैयारी किलन है लेकिन तनी सब यह तनी सा या अरे सिरसा गढ़ के समर में डटे नौजवान, अरे सिरसा गढ़ के समर में डटे नौजवान, ताकत यजमाऊंगा आज मल खान का, डोला गज मोती का लेके जाएंगे हम, डोला गज मोती का लेके जाएंगे हम, डोला गज मोती का लेके जाएंगे हम। गढ़ गया रण में झंडा वो चढ़ाने का, डोला गज मोती का लेके आएंगे हम, डोला गज मोती का लेके पूरी तैयारी से सिरसा के घेर ले। आवाज दे आज मलखान के दुलही गज मोती के उठा ले जब, लेकिन मलखान ये मदन है का, अरे पानी के बिना जग में जिंदगानी वृथा है, मर्द की जवानी बिता है, चपला सा चमकता था मल खान का तेगा, है मर्द कौन लोहा जो औलाद से लेगा, सिरसा वाले पृथ्वी को बे पानी का छोड़े है, भागे पिथौरा घर में चौहान मैदान छोड़ के। ऐ भैया संगठन में वो शक्ति हो, सुना सुना, संगठन में वो शक्ति हो कि मलखान के आवाज पे नगरी का छोटका बड़का सब तैयार भेल, अल्लाह खेत के पृथ्वीराज के सरहद पार करा देन, और लेकिन वही लड़ैया में मलखान के एक तीर लग गई। भैया मलखान गिर गए धरती पर, नगरी वाले पृथ्वीराज के जब लखेत के लौटलन है तो मलखान के गिरल पोलन उठा के लेला महल में
रानी गजमोती अपने पति के लाश देख के छटपटा के रो पड़े, लेकिन कैसे? औरत की जिंदगी का चाद ओकर सिंदूर होला, तो आज सिंदूर धो के उरोवत बका कि हेरैला हेरैला चनमा कौने बदला रे, हेरैला चनमा तला देवर आल्हा उदल के जगवली, अरे सज के महाबा से निकले जवनवा, हे रैला चलवा हाय कौन बजावा रे, रानी गजमोती अपने पति के लाश देख के रोत बा, और हार माहिल जाके पृथ्वीराज से कहना कि महाराज जौने लड़ैया में भाग गया लोगन, वही लड़ैया में मलखान के एक तीर लग गई, और बड़ी अच्छी बात हो कि ओदा का चूकल बात एना बन जाए, लेकिन कभी यहाँ पर दूल्हा इन बात कहलन है कि अरे सपवा के बीसु बढ़े दूधावा के पिया ले हो, आपी पदा में बढ़ल मुदैया हो मितवा, भेदवा सकल सिर सगढ़ के लगाई के हो, अब महिला किया जाके चुगुलैया हो मितवा। ए भैया माहिल कह तो पृथ्वीराज से कि बड़ा अच्छा मौका है, एवं कर सिरसा वाले सब मलखान के दुख में हुए, लेकिन तर्ज नहीं सब मन करते कि हम बदल दी बदलना बदलना। तर्जवा हुआ है कि आप लोग सुन ला कि हम बतौले रही कहवा का खैर चुनवा, कहवा का पान कहवा का टिकुली, लीलरवा मारे जान, तब बुल्लु भे बतौलन के कहवा का गोहूं धान, कहवा का उखरी मुसरवा मारे जान, और एहरा का बतौल कि एहरा का उखरी उनिये का उखरी, और पूछ कि कहवा का तो कहना कि उनिये का, यानी क्लियर करके बतौलन है, ये ना हो कि नहीं कोनो बात को मैं छिपावल जाओ, क्लियर करके बतौलो ना, ये कहलन कि रामदो के अच्छा भी लगत हो और ठीक भी लगत रहा, ऐसा बात ना हो कि बेजा लगत रहा, अच्छा लगत है पब्लिक के भी बढ़िया लगल, लेकिन अरे ठीक कर दो काम कर दो कुछ, हाँ बहुत जरूरी है ये लोग का बुझे, हम बुझे बॉम्बे का हीरोइन नामी, अरे बनला का छोकरी बनारस कही जाड़ा, बनारस कही जाड़ा, उनके नगर पालिका से आदेश रहा ए भैया मशहूर होल का कि अरे बनारस कही जाड़ा, बम्बई के हीरोइन नामी और बंगला का छोकरी नामी, वो बेग लेके टहरे ली चश्मा लगा के, और कि बॉम्बे का हीरोइन नामी हर बंगला का छोकरी बनारस कही जाड़ा, जड़ावा मर हो सोन बनारस कही बाप। आहा राजू माना बोले माहिल बतिया, आज महाराज माना अरे बोले माहिल बतिया कर तैयारिया,
तारा तैयारिया बनी जाई बिगड़ा लता मकर तैयारिया जल्दी तैयारी करा और यही मौका पर अगर चढ़ाई कदबा तो उदा का बिगड़ल काम एदा बन जाए। पृथ्वीराज कहलन कि तू हम माहिल ओदा ले गिला लखे दवा दे हमके ओदा लखे दवा दे हमके और एदा पारी फिर वह बतिया कहत हुआ लेकिन तर्जमा तनी सा आ गेलु है का कि मोरे पीछा वाला मोरे बला मुआ हो नीला रंग चुनरी रंग बोले पृथ्वी राज साथे दागा कमाई ला साथे दागा कमाई ला मोरे संगतिया हो मोरे संगतिया हो छतिया पदाल धरे संगतिया हो छतिया पे दाल दर अइला पृथ्वीराज कहे कि खबर गलत हुई तो गर्दन काट ले। माहिल कहे कि मंजूर हो लेकिन तैयारी कर ला एक खबर सच्ची लेके आ ले और उहर गजमोतीन पाती लिखत बा महोबाप कि आप लोग नाराज होके चल गिला पृथ्वीराज अकेल पाए के हमार सुहाग लूट ले पाती जब मिलल है महोबाप उदल पाती लेके पढ़े लगलन कितना बलि हमार भैया मलखान मारल किसे गेलन हरे पानी में कैसे लागल अगिया झनखयाल हा उदल आवया पुरानी झनखयाल हा उदल आवया पुरानी पानी में कैसे लागल अगिया के तनिया करके अचानक बैरी दल जयचंद के बेटा लाखन के याल्हा अगुआन बनाए हैं और लिख के पत्रिका संधि के पिथौरागढ़ भेजवाए हैं आल्हा उदल सच के चलन है पता लगा है जब बेतवा नदी के तट पर पहुंचलन है तो पता लगा कि पृथ्वीराज भी चढ़ाई करे के तैयारी में इंदल के भजन की जाप पृथ्वीराज से कहता कि हमें अपने भाई क्रिया कर्म करे भर मौका दे एक बार लड़ाई हो जाएगी। इंदल आगे पृथ्वीराज के सामने पृथ्वीराज कहला कि का हो अरे लड़ाई से हिम्मत छूट गई का अकेले आवत हो आप कहला कि हिम्मत ना छूटल बाप खाली एक शर्त हो कहे का तर्ज हो फिल्म बिहारी बाबू के वही तर्ज बाप कि राखी हर साल आवले सवनवा में लेकिन इंदल कहे पृथ्वीराज से कि लसिया दादा का पड़ल बा भवनवा में दादा का पड़ल बाबा कहलन की बहादुर आदमी हुआ एक बात कहना हो का हरे वीर पुरुष हो धोखा न करिए आज निदान तक धीरज धरिए तेगा बजिया जुझार फिर रनों में लसिया दादा के
बहादुर आदमी हैं आप, यही कहना हो कि हमें अपने दादा अमल खान के क्रियाक्रम करे भर मौका दाए करे बाद लड़ाई हो जाई। पृथ्वीराज कल की जा मंजूर हो, हम तो के अग्निदान तक के मौका देते इंदल लवट के लेने आला उदल इंदल सब पहुंचल सिरसा में। आज गजमोती अपने परिवार के देख के फिर से दोबारा बिलख उठल, लेकिन यहाँ भावा कि मानी के लूटल सनुरवा रोवत रानी फाट ही रा। रखिया संहार मोरे जीवन कथतिया की टूटे न पावे दुदरवा। रानी गजमोती कहलस कि आप लोगन के जोहत रही, हमें आज अपने पति के साथ सती हो जाप, ये तो नहीं कहना हो कि आप लोगन से बने तो अपने भाई का बदला ले ली हाँ, और न बने तो हमारा छोटा सा बच्चा है कि जियादी अपने बाप का बदला चुका लेगी। इतना बाद जब रानी कहलस है तो आला उदर झंख भर नया नवा बनावा बेधा तू बाप। अरे आला उदर झंख भर नया नवा बनावा बेधा तू बाप। और या समय पर भौजी के मेहनावा बनावा बेधा तू बाप। चिता ऊपर बैठाए हो, अरे दिया बहोरन बेटा अग्नि दनवा बनवा बेधत बाप। आ धोखा कैला पृथ्वीराज ते छरवा बनवा बेधत बाप। ए भैया जैसे ही चिता तैयार करन मलखान के और चिता पर गजमोतीन बैठल सती होबे देखे, और तब तक पृथ्वीराज चारों तरफ से घेरा डाल देना मलखान का छोटा सा बच्चा बहोरन अग्निदान के लिए। लेकिन जब घेरा डाल देना पृथ्वीराज आवाज दिलन है कि हमारा वादा पूरा हो गया, हम अग्निदान तक के मौका दिल रही, अब लड़ाई हो जाएगी तेरी। इतना जब आवाज दिलन है अरे झंखा बिना पंखा वाका जैसे पखेरुआ मणि बिना फणी जैसे झंखा बारा बारा। सब लोग चिंतित हो गए कोई के हाथे हथियार नहीं बा, और आवाज पृथ्वीराज के हो गए इनकी लड़ाई होए के चाहिए। तब बोली गजा मोतिन ताबा उदल भगुआ से सत्य का परीक्षा आ जा हो तब हमारा। अरे चिता का लकड़िया उठा ला बलावा नवा। गजमोतिन चिता पर से आवाज रस की खबरदार कोई चिंता मत करी आप, अरे हथियार नहीं बा तो उठा ला चिता का लकड़ी, आज वीरन के बीरताई का नहीं एक सती के सत का परीक्षा हो। हरे बोली का जब मोतिन तबा उधर बबुआ से कि सत्य का परीक्षा आ जा हो तब हमारा। चिता का लकड़िया उठा ला बलावा नवा अब तब ही क्या हथवा तब ही तलवा। जब उस लकड़िया तलवार हो गई अब भिड़ी गई अनावा में पीरा ला जुझा अब खाता खाता ते गला बंद हो जा बला अब नसी अपने धारा की पटला चढ़ाए बाधा दिया उस सब।
मार के खरिहान कर देलन और पृथ्वीराज के उल्टी मुसुक चढ़ा के बनलन उदल लेलन गए मोतीन के सामने कहलन कि आज मांगला माफी हमारे भौजी से नहीं तो आज गर्दन काट ले। गजमोतीन कलस की बस हो गई लेनकर वाली मर्दे का शान मारल जला जान नहीं मारल जाता। इतना बड़ा वीर आज हमारे सामने उल्टी मुसुक के बांध के आ गेलन बेबस हो गेलन इनकर शान खत्म हो गई और जल्दी इनके छोड़ दाय उदल छोड़लन कहन की जाय तो के भौजी कहले छोड़ थी लेकिन एक बात याद रखी आप। कवन बात? एक फूल है तो है काटा बन के चुभी कवन फूल हो कवन काटा हो का? अरे चुभी बन के फूल आवा तो है क्या हर दम काटावा कि अब ही जिया तबा सुगा नवा मलखे का बेटावा चिट्ठी लिखवा कर बोले उदल उन्मादी हसी खुशी से हुई है एक दिन तुम्हारे घर पर शादी दुलही ली है गवनवा मलखे का बेटावा लचार हो के पृथ्वीराज सब शर्त किए मंजूर मर्दानों से पाला पड़ते गर्व हो गया चूर आपन छोड़ल दुश्मनावा मलखे का बेटावा रात रख दे मलखे सुद को लवटे घरे जवान जैसे स्वर्ण सिंहासन ऊपर बैठे मलखान पूरा कैले यार मनावा मलखे का बेटावा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी स्वर्ग गए चंडिका कवि बचन जी बने पुजारी पानी में कैसे लागल अगी आप राम जो राम कभी का छलक का दिन रानी पानी में कैसे लागल बजे भैया धरती। अरे तेरी आबरू कोई लूटने न पाए और यही याद हरदम दिलाती है धरती तेरी आबरू याद दिलाती है ये धरती वाह कि तुम्हें करनी है अपने संस्कृति की रक्षा तुम्हें करनी है अपने सीमा की रक्षा हर नजर ना लगे
हाँ नजर ना लगे करे स्वर्ण चिड़िया को तेरे और मुहब्बत का या चल बढ़ाती है नजर ना लगे सिधारी चौक आजमगढ़ से पांच रुपया भैया दिलन भैया के नमस्कार बा बाबा जवानों का है देश पावन या धरती शहीदों की माता यही है दुलारी अरे यहाँ वीरता के विमल रास्ते में और यहाँ वीरता के विमल रास्ते में और रतन हीरा मोती लुटाती है धरती यहाँ वीरता के रतन हीरा मोती लुटाती है धरती विमल रास्ते में ए भैया कह रहा हूँ कि यहाँ के जवान बाबा यहाँ के जवान खाए घासों की रोटी यहाँ के जवान खाए सीने पगुली अरे यहाँ के जवान चूम लेते हैं फांसी और बिगुल क्रांति का जब बजाती है धरती यहाँ के जवान लेते हैं फांसी बजाती है धरती एक बात याद रहे कि ये माना यहाँ ये देश सत्य हिंसा का पुजारी है लेकिन ये माना यहाँ सत्य की होती पूजा ये धरती पहनती अहिंसा की चादर मगर यान पर यहाँ बहता लहू है अरे लहू से ही दामन सजाती है धरती है भैया कि जगत गुरु कहा था है भारत हमारा ए भैया हमारे देश की पुरानी पुस्तकों से ये विज्ञान का जो है उपचार हुआ है निकला है ढूंढ करके वही हमारे विज्ञान से हमारे पुस्तक से इसलिए कहा गया कि जगत गुरु कहा था है भारत हमारा यहाँ ज्ञान बुद्धि का भंडार भी है अरे यहाँ प्रेम से पूजा जाता है पत्थर अरे भगवान जिसको बनाती है धरती जाता है पत्थरों का पूजा यहाँ का भोलापन है ए भैया लेकिन वाह 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 मत ना ना जहाँ गुरु गणेश सही बने पूज्य सबके सुजस चंद्रिका राम लाल से छाए अरे उड़े राम दे तेरी हरदम पताका और तिरंगा की कीमत बताती है धरती